हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अविशाना देवा फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अभी तक हमने जो भी चीज़ हम पढ़ रखी हैं, प्रॉफिट लॉस हमारा चल रहा था, तो प्रॉफिट लॉस में हमारे जितने भी चैप्टर्स हो रखे हैं, बेसिक से क्वेश्चंस जो हो रखे हैं, बाकी इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पूरा अच्छे से कवर करा था। तो मुझे उम्मीद है वो सारी चीज़ें आप अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें, और आप लोग उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस कर ले रहे होंगे। तो उसी पे अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, देखना एक चीज़, अगर आपने देखा होगा तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, इसमें परसेंटेज का कितना मेजर रोल है। तो अगर आपने नहीं देखा है परसेंटेज का लेक्चर, तो परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये दो लेक्चर मैंने करा रखे हैं कंप्लीट, आपको वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से जा करके उसको उसकी सीरीज़ को भी देख सकते हो, ठीक है। और देखो, कई लोग पूछ रहे थे कि क्या मैम ये इस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर नहीं, तो ये देखो ये सारे लगभग एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लगभग सारे एग्ज़ाम में आते हैं, मैं ये बात आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, ठीक है, एक के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर फोकस करके मैं पढ़ा रही हूँ, आपके एप्टीट्यूड जितने भी एग्जाम में आते हैं, ये सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, जैसे आपके आपको पता है रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं, जैसे आपकी ये एप्टीट्यूड की क्लासेस चलती हैं, और बाकी आपकी मैम भी लेती हैं टेक्निकल की क्लासेस। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको भी जा करके देखो और उनसे भी कुछ सीखो, ठीक है। आप सीखने आए हो तो यहाँ पे सीखो और अच्छे से जितना भी चीज़ें सबसे ग्रैस्प कर सकते हो सारे लेक्चर्स को देख करके, आप सबसे कुछ ना कुछ ग्रैस्प कर लो, और फिर अपने जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके बहुत यूज़फुल होगा ये चीज़, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे कल, हमने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पूरा ख़त्म कर दिया था। नहीं देखा है जा करके देखो, आप प्लेलिस्ट में से आपको मिल जाएगा, वहाँ पे पूरा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का हर एक चीज़ मैंने क्या कैसे क्वेश्चंस में आती है, कैसे आप करोगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस करी है, आप जाके उसको देख सकते हो। बाकी चलो अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एग्जामिनेशन में आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं हम लोग थोड़ा सा उससे डील करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राइट साइड में आपका क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है, आप लोग उसको पढ़ो। देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो द प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड अ टेलीविजन सेट आर इन द रेशियो 5:3। तो रेफ्रिजरेटर और आपका टेलीविजन है तो उनके प्राइस का रेशियो दे रखा है, ठीक है, रेशियो है, ध्यान देना। अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन आप कहोगे कि रेशियो का भी हो सकता है, तो ये रेशियो का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस एमआरपी ये सब प्रॉफिट है लॉस है, तो ये इस चैप्टर में भी आपका कवर हो जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कई सारे चैप्टर्स कई चीज़ें, जैसे आपका यहाँ पे रेशियो का यूज़ हुआ है, तो रेशियो आपका ये जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं, बाकी अदर क्वेश्चंस में आपके आएंगे परसेंटेज, तो इन दो टॉपिक का लगभग हर एक चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ ये दो चैप्टर पहले पूरा अच्छे से कवर कर लो। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दो प्राइस रेफ्रिजरेटर आपके टेलीविजन के प्राइस का रेशियो गिवन है और बोलना है क्या, इफ द रेफ्रिजरेटर कॉस्ट ₹5500 मोर देन द टेलीविजन सेट। मतलब रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट जो है ₹5500 महंगा है कंपेयर टू टेलीविजन, देन पूछ रहा है कि आपसे प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, तो आपके रेफ्रिजरेटर का प्राइस क्या होगा बताओ फटाक से। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी हमने ऐसे क्वेश्चंस करे होंगे, अगर आपने पूरी सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा। देखो क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, आपका क्या है, रेफ्रिजरेटर है और टेलीविजन है, ठीक है, इनके प्राइस का रेशियो गिवन है आपको 5:3। मतलब ये आपका 5x है और ये 3x है। अब क्या कह रहा है कि जो रेफ्रिजरेटर है वो 5500 ज्यादा है कंपेयर टू टेलीविजन, ठीक है, तो टेलीविजन से 5500 ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है कितना ज्यादा है, तो आपका 2 ज्यादा है, यहाँ से आप कह सकते हो 2 ज्यादा है, इसी 2 की ही वैल्यू क्या है 5500, इसी 2 की ही वैल्यू 5500 है। और आपसे अब जो भी पूछे
रेफ्रिजरेटर का प्राइस पूछे या टेलीविजन का प्राइस पूछे या दोनों का सम पूछे, तो कुछ भी पूछे अब आपसे यहाँ पे, आप यहाँ से क्या इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर ये चीज? अब यहाँ पे पूछा क्या आपको, द प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर का प्राइस ही क्या है 5, तो 2 की वैल्यू 5500 है, तो आपके 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे 5500 अपॉन 2 इंटू 5, ये आपके रेफ्रिजरेटर की प्राइस हो जाएगा। तो आप काट दो, 2 2 4, 2 7 14, 2 5 10 0, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25, 7 5 35, 2 37, 5 2 10 3 13, तो 13750 ये आपका क्या आ जाएगा, रेफ्रिजरेटर का प्राइस आ जाएगा। क्लियर, ये समझ में आया? चलो इसको नोट डाउन कर लो फटाक से, आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है? इसको मैं रब कर दूं, इसको रब करती हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद उसको कोशिश करना करने की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर का किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, गोपी गोज फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी टू बाय एन आर्टिकल कॉस्टिंग 15% लेस एट बी। गोपी जो है, कोई गोपी है, वो ए से बी जा रहा है प्लेस पे, कुछ उसको सामान खरीदना है, तो कंपेयर टू ए बी उसको 15% सस्ता माल मिल रहा है, ठीक है? अब क्या बोल रहा, ऑल्दो ही स्पेंड्स ₹150 ऑन ट्रैवलिंग, ऑल्दो मतलब अगर वो ₹150 ट्रैवलिंग पे खर्च भी कर रहा है तो भी क्या हो रहा है, स्टिल ही गेन्स 150 कंपेयर टू बाइंग इट ऑन एट ए, तब भी उसको ₹150 का प्रॉफिट हो रहा है ए के कंपैरिजन में अगर वो बी पे खरीद रहा है। क्वेश्चन आप लोग समझे भाई, जैसे मान लो एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ, आप लोग जहाँ भी रहते हो तो एक तो आपका नॉर्मल मार्केट होगा, मान लो आपको चीनी लेना है, तो एक आप नॉर्मल मार्केट पे गए और चीनी लेने के लिए, और फिर वहाँ पे आप गए ₹40 किलो चीनी उठा लें। लेकिन अगर आप वही मेन मार्केट में जाते हो तो जहाँ पे चीनी थोक भाव में मिलती है, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, ₹5 ई रिक्शा आने में लगता है, ₹5 ई रिक्शा जाने में लगता है, ठीक है? तो ये ₹10 आपका आने जाने का कॉस्ट लगा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, आपको गेन हो रहा है ₹5 का, फिर भी आपको गेन क्या हो रहा है, ₹5 का। तो वहाँ पे सपोज मान लो कॉस्ट क्या रही होगी, तो वहाँ पे मान लो ₹25 की कॉस्ट रही होगी, या मान लो ₹20 की कॉस्ट रही होगी, तो ₹20 की कॉस्ट रही होगी और आने जाने में ₹5 और ₹5 10 लग गया, तो मतलब ₹30 आपका यहाँ पे टोटल लगा है, लेकिन फिर भी आपका ₹10 तो यहाँ गेन हो रहा है कि नहीं। जब आप गए थे ₹20 चीनी लेने के लिए, तो ₹5 आने का जोड़ दिया, ₹5 जाने का जोड़ दिया, ये कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन का आपको जुड़ गया, तो यहाँ पे टोटल लग कितना गया आपका, ₹30। और अब आप जो अपने यहाँ से खरीद रहे थे चीनी, वहाँ पे ₹40 आपको लगा था, तो अभी भी आपको जो मार्केट है मेन मार्केट में गया वहाँ पे ₹10 का प्रॉफिट हुआ है ना। तो यही चीज यही क्वेश्चन में बोल रहा है, यही चीज आपसे बोला है, इसको समझो। फिर बोला है कि हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसको परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है? क्वेश्चन पहले आप बताओ, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ो, समझने की कोशिश करो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद ही आप कर पाओगे, ठीक है? अब चलो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते। देखो कोई बंदा है गोपी, ठीक है, वो जाता है ए से बी, मान लो ये प्लेस ए है और ये बी है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है, बी पे उसको 15% कम प्राइस पे मिलता है कंपेयर टू ए। मान लो कोई सामान खरीदने गया चीनी ही वो, तो यहाँ पे बी पे 15% कम मिल रहा है कंपेयर टू ए। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको याद कराई थी, क्या थी, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू, आप मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 3/20, मतलब आपको देख लो 15%, 5% की आपको पता होती है, 5% की क्या होती है 1/20,
5% की 1/20 होती है ना। अब देखो ये आपका 3 से मल्टीप्लाई है तो इसको भी क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब आ गया आपका 3/20। क्लियर ये चीज? मतलब आपको देखो ए पे अगर ये 20 रुपए की चीनी मिल रही होगी, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है 20 रुपए, तो 3 पे आपको 15% सस्ता मिलना होगा। तो 15% 20 का 15% दैट मीन्स 3 रुपए सस्ता मिल रहा होगा, तो उसको मिल कितना रहा होगा यहाँ पे 17x का। अगर यहाँ पे चीनी का प्राइस 20x होगा तो यहाँ पे क्या होगा 17x होगा। अब देखो क्या कह रहा है कि भाई ए से बी पे जाने पे ना, ए से बी पे जब वो जा रहा है उसको 150 रुपए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, ठीक है 150 रुपए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग रहा है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है ना, वो तब भी इस अगर इस प्राइस पे खरीदता है तो कंपेयर टू ए उसको 150 रुपए का फायदा भी हो रहा है, फिर भी उसको फायदा हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो इसको मैं रब कर दे रही हूं कि भाई ये टोटल मैं कहूं, अगर मैं पूछूं आपसे बी पे, तो ये टोटल बी पे खर्च उसका अलग कितना रहा है, टोटल वो खर्च कितना कर रहा बी पे जाने आने में, टोटल उसने रुपए स्पेंड कितना करा। तो आप बोलोगे कि भाई देखो इस क्वेश्चन में ना आपको आने की बात नहीं की, तो आप आने वाला डिस्कस मत करना, आप बस जाने का बोला है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन में टोटल जोड़ दिया जाने आने का। इसने बोला है ट्रांसपोर्टेशन पे इतना 150 लगा है, तो उसमें इंक्लूडेड है आना और जाना दोनों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं पूछूं अगर जो गोपी है उसका टोटल कॉस्ट उसकी जेब से जा कितना रुपए रहा है, तो भाई बी पे, तो भाई बी पे जा कितना रहा है, तो एक तो 17x उसका प्राइस था, ठीक है 17x उसका प्राइस था वो जा रहा है, प्लस जो है उसने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो दिया है वो भी तो जा रहा है। तो ये मतलब गोपी को, गोपी की जेब से इतना रुपए खर्च हो रहा है, इतना क्लियर। अब ध्यान से देखो अगर वो उसको इस प्राइस पे खरीदने पे ना 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, अभी भी उसको 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट हो किस पे रहा है, तो भैया ए के कंपैरिजन में हो रहा है। तो मतलब 20x इसका पहले प्राइस था, तो अगर 20x में से 150 जो उसको प्रॉफिट हो रहा था वो घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हम कह सकते हैं ना कि अब उसको जो है इक्वल, उसका जो है इक्वल खर्चा हो रहा उसकी जेब से जितना इस पे हो रहा था। ये हम कह सकते हैं कि मतलब इस पे जो आपको 150 रुपए वो गेन कर रहा था, तो इस पे माइनस कर देंगे, अब वो वैल्यू इक्वल हो जाएगी हमारी जो पहले बाद में जो जेब खर्च हो रहा था उसको बी पे। ये समझ में आया, ठीक है। अब आप यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेना, तो यहाँ पे क्या कह सकते हो 3x इज इक्वल टू 150 ये क्या हो जाएगा एड हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा, तो आपके एक्स की वैल्यू यहां से क्या जाएगी 100 रुपए, आपके एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 100 रुपए। अब देखो ध्यान से कि खर्च कितना टोटल उसको हो रहा है, टोटल खर्च उसका उसकी जेब से कितना रुपया जा रहा है, तो भाई 17x तो जा ही रहा था, 17x तो जा ही रहा था, साथ में उसको 150 ट्रांसपोर्टेशन पे भी तो लगा है, तो टोटल जो खर्च होगा, कुल खर्च मैं पूछ रही हूँ, कुल खर्च जो होगा तो वो क्या हो जाएगा उसका, तो भाई 17x तो होगा ही होगा प्लस 150 रुपया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो जाएगा, तो आपका हो कितना जाएगा 1700 प्लस 150 बराबर 1850, ये आपका बी पे खर्च होगा उसका कुल खर्च एट बी, ठीक है बी पर उसका कुल खर्च इतना आएगा 1850 रुपए का। क्यों ये हमने 150 ऐड करा, ये समझ में आया आपको। ये देखो ये हमने जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज था वो भी तो वो दे रहा है, इसीलिए ये भी हमारा ऐड होगा क्योंकि वो भी तो उसकी जेब से लगेगा। अच्छा अब देखो ए पे उसको कितना लग रहा था, ए पे उसको कुल खर्च कितना हो रहा था, ए पे कितना हो रहा था 20x हो रहा था, तो 20 × 100 कर दो बराबर क्या जाएगा 2000 रुपए यहाँ पे उसको ए पे हो रहा था खर्च और बी पे 1850 रुपए खर्च हो रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ भैया प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे, कैसे, ये कितने का डिफरेंस है 150 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालते थे, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू यहाँ से अभी आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा, तो प्रॉफिट हुआ कितने का 150 का, ये जो 150 का प्रॉफिट हुआ है किसके कंपैरिजन में हुआ है, तो भाई ए के कंपैरिजन में हुआ, तो ए पे प्राइस लग कितना रहा था तो 2000, तो 150 का प्रॉफिट 2000 पे,
मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से परसेंटेज निकालने के लिए, ये तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल हो गया, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ कितना गया 7.5%। क्लियर, ये समझ में आया? चलो इसको फटाक से नोट डाउन कर लो, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। देखो इस क्वेश्चन में बस ये समझना था आपको, ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग रहा है आपको इसको भी इंक्लूड करना है इसमें, और स्टिल जो आपका 150 रुपए प्रॉफिट हो रहा है तो यही प्रॉफिट आप इसमें से माइनस करोगे अगर, तभी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ उसका गोभी का कितना खर्चा हो रहा है। उसके बाद कंपैरिजन कर दोगे आप दोनों वैल्यूज का, आप यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ए पे कितना खर्चा हो रहा था उसका और बी पे कितना खर्चा हो रहा था टोटल। अब यहाँ से आप उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है वो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इसको नोट डाउन कर लो, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ये चीज एक क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आप बताओ मेरे को कमेंट करके। देखो ये क्वेश्चन जो है आपको बस लैंग्वेज अच्छे से समझना है, इसको आप फिर अच्छे से कर ले जाओगे। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ अभी, इसको मैं रब करती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहले इधर का रब कर देती हूँ ताकि आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। आप पे क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, नेक्स्ट बताओ फटाफट आंसर क्या आ रहा है आपका। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ बुक्स बॉट एट अ प्राइस फ्रॉम 150 to 300, अच्छा आर सोल्ड एट द प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 250 to ₹350, वॉट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट दैट माइट बी मेड इन सेलिंग 15 बुक्स। क्या कह रहा है, एक कोई मान लो बुक है तो उसका रेंज है प्राइस का 150 रुपए से 300 रुपए। ठीक है, ये आपका रेंज है सीपी का, सीपी का रेंज मैं लिख देती हूँ क्या है, सीपी का रेंज है आपका 150 से 300 रुपए। ठीक है, लेकिन बोल क्या रहा है कि जो सेल करता है, ठीक है सेल करता है सोल्ड एट प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 250 रुपए से 350 रुपए में, तो कॉस्ट उसको लगा इतना लेकिन वो सोल्ड कर रहा है 250 से 350 में। अब बोल क्या रहा है कि मैक्सिमम उसको व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट, तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उसको क्या मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। ठीक है, अगर वो 15 किताबों को बेचता है तो इस चीज में ध्यान से देखो कि मैं पूछूं अगर कि भाई एक कोई किताब है उसका रेंज है 150 से 300 और उसका बेच रहा है उसने 250 से 350, तो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी आपसे, इसमें पूछा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो कब सकता है, तो ये कांट डिटरमिन वाला नहीं होगा। तो आप देखो कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कब मिलेगा आपको, कि भाई आप खरीदो सबसे कम में, आप खरीदो सबसे कम रुपए में और आप बेच दो उसको सबसे ज्यादा अमाउंट में, तभी मिलेगा आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट। ये चीज क्लियर, कि भाई मान लो मैं बुक खरीदती हूँ और मैं जो है 150 रुपए में खरीदती हूँ आप और आपको 350 रुपए में बेच देती हूँ, तभी तो मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसके बीच की वैल्यूज में अगर मैं कुछ बेचती हूँ, खरीदती हूँ या बेचती हूँ, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होगा, इसमें ग्रेटेस्ट प्रॉफिट की बात हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में आपका ग्रेटेस्ट प्रॉफिट मिलेगा। ये क्लियर, तो ग्रेटेस्ट प्रॉफिट आपका कब आ रहा है, ग्रेटेस्ट प्रॉफिट कि भाई 300 में हमने बेच दिया और हमने खरीदा कितना, ये जो आपका मिनिमम रेंज है उसमें खरीदा और मैक्सिमम रेंज में बेच दिया, तो हमें ग्रेटेस्ट प्रॉफिट मिल कितने का रहा है, तो 200 रुपए का हमें क्या मिल रहा है, ग्रेटेस्ट प्रॉफिट मिल रहा है। अच्छा ये जो प्रॉफिट मिल रहा है, ये जो 200, ये एक किताब पे मिल रहा है, एक बुक की बात पे मिल रहा है, लेकिन हमें पूछा है 15 किताबों पे कितना मिलेगा, तो ये एक बुक पे मिल रहा है, एक बुक पर ये है। ठीक है, एक बुक पर ग्रेटेस्ट प्रॉफिट ये है। अब 15 किताबों पर ग्रेटेस्ट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये कहा है तो 15 किताबों पर ग्रेटेस्ट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो 200 एक पे है, 15 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ कितना जाएगा 3000 रुपए। मतलब 3000 रुपए क्या है, आपको ग्रेटेस्ट प्रॉफिट मिलेगा अगर आप 15 किताबों को बेचोगे इस रेंज में। ठीक है, क्लियर।
क्लियर है, समझ में आया? चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाक से, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको मैं रब कर दूं कि नहीं बताओ, आपने नोट डाउन कर लिया? चलो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, मैं रब करती हूँ, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। देखो ये रेंज इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना था बस, कि आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है क्या, कि किस पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, इस चीज को आपको ध्यान देना था, बाकी आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो यहां से, ठीक है? समझना था बस इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो, बताओ फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, अ शॉपकीपर सेल्स टू टीवी सेट्स एट द सेम प्राइस, देयर इज अ गेन ऑफ 20% ऑन वन टीवी एंड लॉस ऑफ 20% ऑन द अदर, तो स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, कोई शॉपकीपर है, वो क्या करता है, टीवी सेट को सेम प्राइस पे बेचता है, सेलिंग प्राइस सेम है यहाँ पे, और एक को 20% गेन पे बेचता है और एक टीवी को 20% लॉस पे बेचता है, तो ओवरऑल बताना है परसेंटेज में कि उसको कितना लॉस हुआ, बताओ आप। लॉस या हानि जो भी हुई, सॉरी लॉस या प्रॉफिट जो भी हुआ, वो आपको इस ट्रांजेक्शन में बताना है। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, जहां पे भी आपका सेलिंग प्राइस इक्वल होगा, जैसे यहाँ पे टू टीवी सेट्स हैं, उनका सेलिंग प्राइस इक्वल है, ठीक है, और आपको फिर दे रखा है कि एक को कुछ परसेंटेज पे गेन पे बेच रहा है, कुछ परसेंटेज देन सेकेंड को कुछ परसेंटेज लॉस या गेन पे बेच रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालोगे, टोटल ओवरऑल आपका प्रॉफिट या गेन हो रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप हमेशा कर देना प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू क्या, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये आपका हमेशा ही प्रॉफिट परसेंटेज देगा, मतलब आपके जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, ये अभी आप उस साइन पे हम लोग देख लेंगे, लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है ये हमेशा हमें परसेंटेज वैल्यू देता है, क्लियर? लेकिन हाँ, कब, किस कंडीशन में, ये आपका जो एसपी है, एसपी शुड बी सेम, ये आपकी कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन ये आपकी है कि अगर हमारा एसपी मतलब सेलिंग प्राइस दो आर्टिकल का सेम रहेगा, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके टोटल ओवरऑल हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये हम इजीली उसका परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसको विद साइन लिखोगे, जैसे अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस लिख दोगे, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस होगा। अब जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस सेम बोल रखा है, सेम है, ठीक है, अब एक आर्टिकल पे वो एक को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 20% प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, तो प्रॉफिट मतलब प्लस 20, ठीक है। अब देखो सेकेंड वाला जो आर्टिकल है भाई, उसको क्या कह रहा है, वो 20% लॉस पे बेच रहा है, तो लॉस पे मैंने बोला अभी जो लॉस हो रहा है उसको आप माइनस कर दोगे, ठीक है, माइनस साइन के साथ लिखोगे, तो यहाँ पे माइनस 20 कर दोगे, क्यों, क्योंकि 20% का लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे प्लस 20 क्योंकि 20% का प्रॉफिट, मल्टीप्लाई ये बाई क्या है, माइनस 20 क्योंकि 20% का लॉस, डिवाइड कर दोगे इस 100 से, और ये आपकी परसेंटेज वैल्यू है, याद रखना परसेंटेज लगाना भूलना मत, ठीक है। अब देखो ये प्लस 20 है माइनस 20 है, तो ये आपका आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको देखो यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 × 2 और प्लस और माइनस, बाहर में प्लस है तो आपका आएगा कितना, -4% आएगा, कितना ये -4%। अब ये माइनस आपको क्या शो कर रहा है, तो ये माइनस शो कर रहा है आपको कि ये आपका लॉस हुआ है, माइनस ये आपको शो कर रहा है कि आपका लॉस हुआ है, ये चीज क्लियर, समझ में आई, इसको नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूले से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ओनली ऑन परसेंटेज वैल्यू अगर पूछेगा, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाक से, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाक से। इसमें फिर एक चीज और ध्यान देना कि अगर आपका, जैसे इसमें क्वेश्चन में आपने पूछा है क्या कि सेम है 20% एक को बेच रहा है प्रॉफिट पे और एक को 20% लॉस पे बेच रहा है, तो एक को प्रॉफिट पे बेचे और एक को लॉस पे बेचे और उसकी परसेंटेज वैल्यू अगर आपको सेम है, तब आप क्या करना, डायरेक्ट क्या करना, देखो
अगर इस कंडीशन में क्या होता है, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाती है, तो आप क्या करना, डायरेक्ट एक्स और वाई जो है, तो ये एक्स और वाई तो सेम है, ठीक है, और एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो मतलब उस कंडीशन में हमेशा ही क्या होता है आपका, हमेशा ही उस कंडीशन में लॉस होता है। लॉस होता कितने का है, तो आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का लॉस होता है, हमेशा उस कंडीशन में आपको एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का लॉस होता है। ये परसेंटेज वैल्यू है, कब, जब आपकी सेलिंग प्राइस सेम रहती है और आपका जो प्रॉफिट या लॉस, एक में प्रॉफिट पे बेचे एक में लॉस पे बेचे और उनको जो है सेम परसेंटेज वैल्यू पे बेचे, तो आपका हमेशा लॉस होता है। कितना लॉस होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 परसेंटेज, इतने परसेंटेज का हमेशा उसको लॉस होता है। ये चीज क्लियर हुई आपको, बताओ। ये आप फॉर्मूला जो है नोट करके अपनी कॉपी में लिख लो, इस फॉर्मूले का आपका बहुत यूज होता है, हाँ कई जगह यूज होता है, इसको आप लोग CISI में भी यूज करोगे, तो ये फॉर्मूला जो है कई जगह यूज होता है। अभी आप इसको नोट डाउन कर लो, आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। ये समझ में आ गया ना आप लोगों को, चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है, इसको मैं रख कर देती हूँ अभी, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप लोग क्या क्या रहा है, पहले उसको समझने की कोशिश करो, उसके बाद आप ट्राई करो, बताओ करो उसका आंसर क्या आएगा। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्या बोला, अ हाउस एंड अ शॉप वर सोल्ड फॉर ₹1 लाख ईच। इसमें भी अब हमारा सेलिंग प्राइस सेम है, बोला कि एक घर है और एक दुकान है और दोनों को क्या हो रहा है कि 1 लाख पे बेचा जा रहा है। इन दिस ट्रांजेक्शन द हाउस सेल रिजल्टेड इनटू 20% लॉस वेयर एज द शॉप सेल इनटू 20% प्रॉफिट। तो जो आपका ये हाउस है उसको 20% लॉस पे बेच रहा है और ये जो आपका शॉप है उसको 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो पूछ रहा है कि भाई इस एंटायर ट्रांजेक्शन में क्या कितना क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या मिल रहा है इस एंटायर ट्रांजेक्शन में, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे अब आपको वैल्यू, यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं फाइंड आउट करना, आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, लेकिन एक चीज ये बताओ, आप यहाँ से तो आप इजिली ये कह सकते हो ना कि कितने परसेंटेज का लॉस हुआ, ये तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो गेन या लॉस कितने का हुआ है, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज नहीं फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, चलो देखो। तो यहाँ पे ये भी देखना कि आपका क्या है, सेम है, जिस अमाउंट में सेल किया है, सेलिंग प्राइस आपका शॉप और घर का दोनों सेम है। अब एक को घर को क्या बोला, हाउस को 20% लॉस पे बेच रहा है, हाउस को 20% लॉस पे बेच रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, मतलब 5 का था ये हाउस, लेकिन उसको क्या कर रहा है, 4 में बेच दे रहा है। उसी तरीके से शॉप का क्या हो रहा है, शॉप को भी 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब ये 5 का था शॉप और उसको 20% प्रॉफिट, दैट मींस 1 ऐड कर दोगे तो 6 पे उसको बेच दे रहा है। ये चीज क्लियर आपको। अब देखो इसमें क्या, आपको जो है सेलिंग प्राइस वो सेम है, सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेम है, बट क्या इसमें सेम है, हाउस को तो ये 4 में बेच रहा है और ये शॉप को 6 में, सेम है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेम कर लेंगे इसको, आप सेलिंग प्राइस को सेम कर लोगे। तो कैसे सेम करोगे, तो भाई अगर हम इसको, इस हाउस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस शॉप वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जा करके 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 12, सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा। ये चीज क्लियर, क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपको समझ में आया, क्योंकि हमारा यहाँ पे हाउस और जो शॉप है वो दोनों ही 1 लाख में बेच रहा है, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसीलिए हमें यहाँ भी सेलिंग प्राइस सेम करनी पड़ेगी, क्लियर है। अब देखो आपका ये ना हाउस का क्या आ गया, तो 5 × 3 = 15, 4 × 2 = 12, ठीक है, और आपका शॉप का क्या आ जाएगा, 5 × 2 = 10 और 6 × 2 = 12, ठीक है। तो अब हमारा ये आपका कॉस्ट प्राइस लगा है और ये सेलिंग प्राइस, तो अब देखो टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लगा कितना, तो ये 24,
अब आपका देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दोनों का सेम आ गया है, तो टोटल आपको लगा कितना 12 + 12 = 24 लगा, और टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, तो 25 हमारा कॉस्ट प्राइस था और 24 हमें 24 में हमने बेचा है, मतलब 24 हमें मिला है और 25 हमारा लगा था खुद का। मतलब ये चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ से लॉस है, ठीक है, यहाँ से लॉस है। देखो अच्छा यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं लॉस है कितने का, तो 1 का लॉस है 25 पे इंटू 100 कर दोगे तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि 4% का लॉस है। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चंस कराया था उसके लिए अगर आपको वो नहीं समझ में आया या फिर फॉर्मूला आपको नहीं याद रखता है तो आप इस तरीके से भी उसको कर सकते हो और यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका 4% का लॉस है। ये चीज क्लियर, अगर पहले वाले क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आया तो ये आप फॉलो कर लेना, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे लॉस कितने का है, तो भैया 1 का लॉस है, ठीक है, तो 1 का लॉस है, लेकिन ये जो 24 है सेलिंग प्राइस है उसकी वैल्यू है कितनी, तो 24 जो सेलिंग प्राइस है उसकी वैल्यू है कितनी, तो कितना था आपका कि भाई 12 1 लाख ईच में बोझला था, मतलब 1 लाख इस पे भी बोला और 1 लाख इस पे, तो ईच पे 1-1 लाख, तो ये दोनों मिला के यहाँ पे कितना है 24 है, तो 24 की वैल्यू आपकी क्या है 2 लाख, 24 की वैल्यू ही आपकी क्या है 2 लाख, क्लियर है। तो अब आपको 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 24 की वैल्यू है 2 लाख, तो आपको 1 की वैल्यू जो लॉस हुआ है 1 का, लॉस हुआ है जो 1 का, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2/24 लाख, दैट मीन्स 1/12 लाख, इतने का उसको क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं बताओ फटाक से, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। इसमें देखो लॉस हुआ है 1/12 का, ठीक है, ये जैसे क्वेश्चन में आपको क्या पूछे आप उसके अकॉर्डिंग ही करना कि आपको इस फॉर्म में पूछा है या फिर आपको परसेंटेज फॉर्म में पूछा है या फिर ये लाख दे करके ना हजार में पूछे, तो आप इसको क्या करना मल्टीप्लाई कर देना 0-0 लिख करके आगे, तो ये जैसा आपका ऑप्शन होगा ना आप उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसीड करना, बट ये प्रोसेस आपका ये हमेशा ही आपका सेम रहेगा, ठीक है। ये 4% कैसे आए ये चीज तो क्लियर हुई ना आपके, एक तो याद, तो इसके पहले जो मैंने बताया था फॉर्मूला उससे याद कर लेना, वो जल्दी कर लोगे आप उसे डायरेक्ट कर लोगे, नहीं तो आपको देखो इतना लिखने में थोड़ा टाइम लगता, ठीक है, इसीलिए। लेकिन हाँ अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको फिर आगे ऐसे ही प्रोसीड करना पड़ेगा, फिर आपको उस फॉर्मूले से नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो फटाक से, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, इसको मैं रैप कर दे रही हूँ, इसको मैं रैप करती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। देखो थोड़ी बहुत आवाज आ रही होगी मे भी, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, एक्चुअली काम चल रहा है घर पे तो थोड़ी सी आवाज आएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट, अ मैन बॉट द वॉच फॉर 10% डिस्काउंट, इफ ही हैड बॉट फॉर 20% डिस्काउंट ही वुड हैव गॉट द वॉच फॉर ₹125 लेस द मार्क प्राइस ऑफ द वॉच इज। देखो कोई बंदा है, ठीक है, वो क्या करता है, कोई उसकी जो MRP है, ठीक है, उस पे 10% डिस्काउंट पे वो वॉच को खरीदता है, लेकिन अगर वही वो वॉच 10% डिस्काउंट पे ना खरीद के 20% डिस्काउंट पे खरीदता तो उसको कितने रुपए, तो उसको ₹150 कम देने पड़ते। ये चीज क्वेश्चन समझ में आया, तो पूछा है मार्क प्राइस क्या है, तो हमने मान लिया क्या मार्क प्राइस क्या है 100 रुपीज, MRP उसकी क्या है, मार्क प्राइस क्या है 100 रुपीज। अब बोल रहा है वो कि भैया पहले कंडीशन में 10% डिस्काउंट पे उसने बेचा, तो 10% उसने डिस्काउंट पे खरीदा MRP पे, तो उसने लिया कितने पे, तो जब 10% डिस्काउंट पे लेगा -10% तो उसने ₹90 में खरीदा। ये चीज क्लियर आपको ना कि 90 कैसे आया 10% डिस्काउंट पे। देखो ये सारी चीजें मैंने आपको परसेंटेज के लेक्चर में एक एक चीज समझाई है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो जाकर के आप वहां से देख सकते हो। अब हर लेक्चर में तुम्हें परसेंटेज वैल्यू निकालना नहीं ना बता सकती, तो आप वहां पे देख लेना, ठीक है। अब देख रहा है, देखो दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि दूसरी कंडीशन में वो अगर 20% पे डिस्काउंट पे वो चीज ले रहा है, तो भाई वॉच को
पहले 10% डिस्काउंट पे लिया तो उसको 90 रुपए देने पड़े, दूसरे में अगर वो 20% डिस्काउंट पे लेगा, ये माइनस दैट मीन्स डिस्काउंट, तो उसको 80 रुपए पे करने पड़ेंगे। अब इसमें हो क्या रहा है कि जो अब 80 रुपए मतलब 20% पे डिस्काउंट अगर लेता है तो उसको 125 रुपए कम देने पड़ेंगे, लेकिन इस कंडीशन में देखो देने कितने कम पड़ रहे, तो 90 से 80 दे रहा है अब, लेकिन 10 रुपए कम दे रहा है, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन में 125 रुपए दिया है, यही आपको क्या दिया है क्वेश्चन में 125 रुपए, मतलब 125 रुपए कम देने पड़ेंगे, और यहाँ देने कितने कम पड़े थे 10 रुपए, तो 10 की वैल्यू 125 है, और आपसे पूछा एमआरपी, तो एमआरपी थी कितनी 100, तो 10 की वैल्यू 125 है, तो 100 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, तो 1250 रुपीज, मतलब आपकी एमआरपी क्या हो जाएगी, तो 1250 रुपए उसकी एमआरपी हो जाएगी, 1250 रुपए की वो वॉच होगी, क्लियर। ये इसको नोट डाउन कर लो फटाक से, आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, और ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आपको, बताओ। इसको मैं रब कर दूं, इसको रब करती हूँ, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो फटाक से, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है, By selling a tape recorder for ₹1040, a man gains 4%. If he sells it for ₹950, his loss will be. इसको आप बताओ, आप करके बताओ, आप सोचो, इसके पहले जैसे मैंने करा था उसी तरीके से आप सोचो, कुछ उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप इसको करके बताओ मेरे को आंसर क्या आएगा, कि भाई कोई टेप रिकॉर्डर है, उसको एक क्या करता है आदमी, एक 1040 रुपए में, 1040 रुपए में बेचता है, कितने पे, उसको 4% का गेन होता है, लेकिन अगर यही वो टेप रिकॉर्डर 950 रुपए में बेचेगा तो आपको उसका लॉस क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर यही आप 950 रुपए में बेचे तो उसको लॉस क्या होगा ये बताना है। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर कई बच्चे क्या करते हैं कि ये जो आपका 1040 है और ये 950, इनका डिफरेंस लेके आपको प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ ये निकाल लेते हैं, या लॉस परसेंटेज क्या हुआ ये निकाल लेते हैं। ये ऐसे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये जो प्रॉफिट और लॉस जो भी हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें पहले कॉस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखो कॉस्ट प्राइस हमें दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया है, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमें पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, देन आगे तभी हम बता सकते हैं कि हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ। ये चीज क्लियर आपको, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें पहले कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालोगे कैसे, तो इसने एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अगर वो 1040 में बेचता है ना तो उसको 4% का गेन होता है, दैट मीन्स 4% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन उसने दे दी है। अब मान लो अगर मैं मान लेती हूँ कि उसको 100 रुपए उसका क्या रहा होगा, सीपी रहा होगा, 100 रुपए सीपी रहा होगा, तो 4% प्रॉफिट पे वो बेचेगा कितने पे, तो 104 रुपए पे, 104 रुपए पे, ठीक है। ये करेगा सेल 4% प्रॉफिट पे, 4% प्रॉफिट पे सेल कितने पे करेगा, 104 रुपए पे। तो 104 रुपए की ही वैल्यू क्वेश्चन में गिवन क्या है, 1040, 1040 रुपए है, 104 रुपए की वैल्यू, मतलब ये 10 के मल्टीपल में है, ठीक है। तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो ये भी 10 के मल्टीपल में हो जाएगा, दैट मीन्स वो कितना जाएगा, 1000 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा टेप रिकॉर्डर का। ये चीज क्लियर। अब पूछ रहा है कि अगर इसी को वो 950 रुपए में सेल करे, 950 रुपए में सेल करे तो उसको क्या लॉस हो रहा है, ठीक है। हाँ लॉस तो ये इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि लॉस हो रहा है, तो अब लॉस हो कितने का रहा है ये आपको पूछा है। तो भाई देखो यहाँ पे लॉस है कितने का, 50 रुपए का, तो लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करोगे, लॉस परसेंटेज क्या होगा, 50 रुपए का लॉस है, किस पे है लॉस, 1000 पे, कॉस्ट प्राइस में ही तो लॉस होगा, 1000 पे है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्यों, परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये 30 कट जाएगा यहाँ पे डबल यहाँ पे, तो आपका आ कितना गया 5%, दैट मींस आपको 5% का लॉस हो रहा है उस टेप रिकॉर्डर में अगर वो 950 रुपए में उसको बेचता है, तो क्लियर। ये समझ में आया, चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग,
इस क्वेश्चन में बस पहले आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड कर पाओगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। चलो इसको मैं रख करती हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फटाक से अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप पे आ गया होगा अगला क्वेश्चन, आप लोग उसको ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, अ टेलीविजन एंड अ रेफ्रिजरेटर सोल्ड फॉर रुपीज 12,000 ईच, सॉरी कोई है, टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर दोनों 12,000 रुपए में बेचे जाते हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है कि एक को 20% ऑफ द कॉस्ट एंड द रेफ्रिजरेटर विद अ गेन ऑफ 20% ऑफ द कॉस्ट। अब क्या हो रहा है कि एक को 20% लॉस पे बेचा जा रहा है कॉस्ट प्राइस की कंपैरिजन में, और एक को 20% प्रॉफिट पे एक को बेचा जा रहा है कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में। तो पूछा है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में आपको कितने का लॉस या प्रॉफिट जो भी हुआ वो आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया कि भाई इसमें भी वही है, सेलिंग प्राइस सेम रखा है दोनों का, एक को 20% ज्यादा पे बेचा जा रहा है, एक को 20% कम पे लॉस पे बेचा जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि इसमें अमाउंट कॉस्ट लॉस हुआ या गेन हुआ कितने का हुआ, ये आपको अमाउंट बताना है, परसेंटेज वैल्यू अगेन नहीं बतानी है, अमाउंट बताना है। तो अमाउंट के लिए आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो पहले को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है ना टेलीविजन है, ठीक है। इफ द टेलीविजन वाज सोल्ड एट लॉस ऑफ, नहीं तो टेलीविजन है, टेलीविजन को उसमें सीपी और एसपी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1/5। ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है, दैट मीन्स हमारा कॉस्ट प्राइस 5 रुपए। अब लॉस पे बेच रहा है तो 5 का 20% 1, तो लॉस होगा कितने का, तो 5 पे 1 का लॉस हो जाएगा, तो बेचेगा कितने में, सेलिंग उसकी क्या रहेगी 4 रुपए टेलीविजन की। अब आती है बात सेकेंड, क्या रेफ्रिजरेटर है उसको क्या कर रहा है, 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब अगर 5 रुपए रहा होगा उसका कॉस्ट प्राइस, तो 5 का 20% 1 रुपए प्रॉफिट पे बेचेगा, मतलब सेल कितने में करेगा, 6 रुपए में। अब अगेन सेम कंडीशन, यहाँ पे क्या बताओ आप, सेलिंग प्राइस हमारी सेम है क्या, नहीं है। तो जब नहीं है सेम तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा उसमें। तो सेम करोगे कैसे, तो भाई अगर आप टेलीविजन वाले को चाहते हैं 12,300 से मल्टीप्लाई कर दो, और आप रेफ्रिजरेटर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 3 12, 6 2 12, इस कंडीशन में हमारा सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने इसमें भी मल्टीप्लाई किया है तो आपको कॉस्ट प्राइस में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है रेशियो में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो में फर्क नहीं होता है। तो रेशियो में फर्क नहीं लाने के लिए हमें दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टेलीविजन का हमारा कॉस्ट प्राइस और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 3 15 और 4 3 12, और आपका रेफ्रिजरेटर का क्या आ जाएगा, तो 5 2 10 और 6 2 12। यहाँ पे देखो आप सेलिंग प्राइस सेम हो गई, तो टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस लगा कितना है 25 रुपए, और टोटल हमारा सेलिंग प्राइस क्या है 24 रुपए, ठीक है। ये हमारा टोटल आ गया। अब देखो क्या कह रहा है कि इसमें सोल्ड फॉर रुपए 12,000 ईच, तो 12,000 ईच पे बोला है, तो मतलब 1 12,000 1 12,000, तो दोनों मिला के कितने में सेल करेगा, तो 12,000 + 12,000 24,000 में, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में सेल कितने में कर रहा है, तो 24 रुपए में, दैट मीन ये 24 की ही वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, 24,000, ये 24 की वैल्यू 24,000 गिवन है, तो ये कितने के मल्टीपल में है, 1000 के। तो आपका जो कितना ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है यहाँ पे 1 का। तो आपका अगर ये 1000 में है तो ये भी क्या हो जाएगा, 1000 के मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, 1000 का मल्टीपल होगा, तो लॉस कितने का होगा आपका, 1000 रुपए का ही लॉस हो जाएगा। ये चीज क्लियर समझ में आया, ये देखो ये मैंने 24,000 कैसे लिखा है, ये 12,000 + 12,000 दोनों को सेल करता है, ठीक है। समझ में आया ये क्या है, दोनों को सेल करता है। यहाँ पे हमने
12 और 12 दोनों को ऐड करके 24 लिखा है ना, दैट मीन्स ये हमें इक्वेट करना पड़ेगा कि दोनों को किस प्राइस में सेल किया है। तो दोनों को वो 12,000 में सेल किया है, मतलब दोनों का अगर मैं कंबाइंड सेलिंग प्राइस पूछूं तो वो क्या हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। तो ये 24 की वैल्यू 24,000 दे रखी है क्वेश्चन में, मतलब 1,000 का मल्टीपल है। तो आपसे पूछ रहा है कि लॉस कितने का हुआ, तो यहाँ पे लॉस हुआ कितने का है, 1 रुपए का, तो वो भी 1,000 के मल्टीपल में होगा, दैट मीन्स 1,000 का उसको टोटल लॉस होगा इस ट्रांजेक्शन में। क्लियर ये, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो इसको मैं रख करूं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, ठीक है। चलो इसको रब करती हूँ, और अगर सिर्फ आपसे परसेंटेज वैल्यू पूछेगा तो कैसे निकालना है वो आपको पता है, मैंने फॉर्मूला बता रखा है। उस फॉर्मूले में बस आप एक चीज ध्यान देना कि आपको विद साइन लिखना है, प्रॉफिट हुआ है तो आपको प्लस लिखना है, और अगर आपको लॉस हुआ है तो आपको माइनस लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए क्लॉथ मर्चेंट हैज अनाउंस 20% रिबेट इन प्राइसेस। If one needs to have a rebate of rupee 40, then how much many meter of cloth costing 32 per meter he should purchase? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं पहले बताओ। देखो कोई मर्चेंट है, क्लोथ मर्चेंट, कोई दुकानदार है जो कपड़े बेचता है, वो क्या होता है कि 32 रुपए पर मीटर के हिसाब से कपड़े को बेचता है, ठीक है। मान लो मैं दुकानदार हूँ तो आप मेरे पे आते हो, तो मैं क्या करती हूँ, 32 रुपए पर मीटर के अकॉर्डिंग कपड़े बेचती हूँ। लेकिन क्या होता है कि मैं उस पर 25% का है ना, हाँ 25% रिबेट, रिबेट मतलब आपको छूट देती हूँ, ठीक है। तो 25% का मैं उस पर छूट देती हूँ। उसके बाद फिर बोल रहा है कि आपको 40 टोटल, आपको इसको मैं अमाउंट में दे रखा है कि आपको टोटल 40 रुपए छूट प्राप्त करने के लिए कितने मीटर क्लॉथ आपको खरीदने पड़ेंगे। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि मतलब अगर मैं 35 रुपए पर मीटर के अकॉर्डिंग कपड़े आपको दे रही हूँ, लेकिन 25% आपको डिस्काउंट भी दे रही हूँ, ठीक है, तो आपको 40 रुपए टोटल डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए कितने मीटर कपड़े खरीदने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे कि भाई 35 रुपए पर मीटर, ठीक है, 35 रुपए पर मीटर उसका प्राइस है। तो प्राइस क्या है आपका, 35 रुपीज पर मीटर, बट वो जो है आपको क्या कर रहा है, 25% डिस्काउंट पे दे रहा है। 35 ही है ना, ये सॉरी ये 32 रुपए पर मीटर है, ये मैं 35 बोली हूँ, सॉरी ये 32 रुपए पर मीटर है क्वेश्चन में, ठीक है, 32 रुपए पर मीटर है। अब उसमें क्या कर रहा है, वो 25% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 25% का डिस्काउंट दैट मीन्स क्या होगा, तो आप 32 का क्या कर दोगे, 32 का 25% का डिस्काउंट मतलब 3/4। ये चीज क्लियर, मैं 3/4 कैसे लिखी हूँ, देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। तो आपका 4 पे 25% का डिस्काउंट माइनस 1, तो क्या हो जाएगा आपका 3/4। क्लियर ये, देखो जिसने इसे फिर से मैं बोलियो, जिसने भी नहीं देखा परसेंटेज जाके देखो आप, क्लियर हो जाएगा। तो जब 25% का उसने डिस्काउंट दिया, 8 × 32, 8 × 3 = 24, तो 24 रुपए पर मीटर के अकॉर्डिंग वो बेचेगा आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 25%। तो 32 रुपए पर मीटर की चीज थी, 24 रुपए पर मीटर पे बेच रहा है, तो आप बताओ कि उसको कितने कम पे बेच रहा है, या कितना रुपया उसको छूट यहाँ पे मिला है। तो आप देखोगे यहाँ पे कितने रुपए का छूट मिला है, 8 रुपए का क्या हुआ है, छूट मिला है उसको यहाँ पे, ठीक है, रिबेट मिला है 8 रुपए का। ये 8 रुपए का छूट है कब, ये पर मीटर, देखो पर मीटर, तो मतलब 8 रुपए की जो छूट हुई है 1 मीटर के कपड़े लेने पे प्राप्त हुई है उसको। ये चीज समझ में आया, 8 रुपए की छूट हुई है कब, 1 मीटर के कपड़े पे प्राप्त हुई है। 1 मीटर के कपड़ा अगर वो खरीदता है तब उसको जाके 8 रुपए की छूट मिलती है, लेकिन यही उसको कितना छूट चाहिए, 40 रुपए चाहिए, है ना, रुपए 40, हाँ 36, हाँ। अब ये जो है 40 रुपए की छूट चाहिए, तो उसको कितना रुपए, कितने मीटर कपड़े खरीदने पड़ेंगे। तो मतलब इसी की वैल्यू तो आपको क्या है, 40 रुपीज है,
यही तो आपको 40 रुपए छूट चाहिए, तो ये आपसे अमाउंट पूछा कि अब उसको कितने मीटर कपड़े खरीदने पड़ेंगे। तो ये देखो कितने के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में, इसको भी क्या करोगे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मतलब आपको आ जाएगा कि आपको कितने मीटर कपड़े चाहिए, 5 मीटर कपड़े चाहिए। कब? अगर आपको 40 रुपए की छूट प्राप्त करनी है तो आपको टोटल 5 मीटर कपड़े खरीदने पड़ेंगे। ये चीज क्लियर समझ में आया कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यह है तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, देखा होगा आपने, लेकिन इसको बस क्वेश्चन को समझना था कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, फिर आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर वो समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे से इसको इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। देखो इसमें 1 मीटर पे 32 रुपए का था कॉस्ट, लेकिन 25% छूट पे दिया तो मतलब 24 पे बेचेगा, तो 1 मीटर पे 8 रुपए की छूट है, तो 40 रुपए की छूट, मतलब 8 रुपए की छूट 1 मीटर पे, तो 40 रुपए की छूट कितने मीटर पे रहेगी, 5 मीटर पे। क्लियर ये? चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ, फिर आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग फटाक से उसको ट्राई करो। देखो क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो, जल्दी जल्दी बताओ आप उसका आंसर क्या आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन देखो हमने कर रखा है। ठीक है, क्या कह रहा है, अ टीवी वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, If it had been sold it at a profit of 10% profit, अभी पहले हमने करा था ना इस क्वेश्चन के पहले सरी ये क्वेश्चन, आप बताओ, then it would have profit would have been 1000 more. What is the cost price? तो cost price हमने मान क्या लिया टीवी का 100 रुपए, टीवी है ना, हाँ टीवी का हमने cost price सीपी क्या मान लिया है 100 रुपए। अब क्या हो रहा है कि आपको एक बार क्या बेचा जा रहा है, प्रॉफिट ऑफ 5%, तो प्रॉफिट ऑफ 5% पे एक बार बेचा जा रहा है, तो दुकानदार है 100 रुपए में खरीदा होगा, 5% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो बेचेगा कितने पे, 105 रुपए पे। ठीक है, ये 5% प्रॉफिट पे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अगर वो 10 रुपए के प्रॉफिट पे बेचता ना तो उसको 1000 रुपए ज्यादा मिलते, तो वो अगर 10 रुपए के प्रॉफिट पे, पहले ये निकालो कि 10 रुपए के प्रॉफिट पे वो बेचेगा कितने रुपए में, 110 रुपए में, 110 रुपए में अगर बेचेगा तो उसको 5% मतलब 105 रुपए में अगर बेचता, इससे कंपैरिजन में 1000 रुपए ज्यादा मिलते। लेकिन यहाँ पे ज्यादा मिल कितने रहे हैं, अगर वो 10% में बेच रहा है 110 रुपए मिल रहा है, यहाँ पे 5% में बेच रहा है 105 रुपए मिल रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा इस कंडीशन मिल कितने रहे, 5 रुपए। इसी 5 की वैल्यू क्या गिवन है, 1000 रुपए, क्योंकि 1000 मिल रहा था। ठीक है, एक्चुअली में क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आपका 5×10=0, तो ये 200 के मल्टीपल में है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जो है आपका 100, ये भी क्या हो जाएगा 200 के मल्टीपल में, दैट मीन 100×200, ये भी आपका क्या हो जाएगा 200 के मल्टीपल में, मतलब यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी आ कितना जाएगा, तो 20000 रुपए कॉस्ट प्राइस उसका आ जाएगा टेलीविजन का। ये चीज क्लियर हुई आपको? चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाक से, इसको नोट डाउन कर लो। ये आपको समझ में आया कि नहीं आज का कंसेप्ट पूरा, सब बताओ आप एक बार मेरे को कॉमेंट करके बता देना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस है ना, आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे एकदम अच्छे से तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, बस आप अर्थमेटिक में क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना होता है, फिर जो जो कहते जाए क्वेश्चन वैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो आप अच्छे से कैलकुलेट उसको इजिली कर लोगे और आपका आंसर सही आएगा। हाँ, बस आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो कंसेप्ट बताने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ो, सारे लेक्चर्स देखो, इसके पहले जो भी हमने करा रखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन वो भी सब देखो, बाकी अदर लेक्चर्स भी जो करा रखे हमने, परसेंटेज और ये क्या कहते हैं आपका ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का भी जो अभी कुछ हो रखा है, तो वो सारी चीजें भी आप जाओ अच्छे से ध्यान से देखो और फिर आगे प्रोसीड करो। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट हो रही हैं ये, तो आप उनको देख लो। ठीक है, चलो फिर आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं इस लेक्चर को,
फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस कुछ करेंगे। और बाकी आज के लेक्चर में क्या समझ में आया कि नहीं आया, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछो, फिर हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। तो बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे टाइम टू टाइम हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप उसको देख सको, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट में मिलते हैं, और हाँ लाइक भी कर देना इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट और क्वेश्चंस कुछ और अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे अगर हो गए तो, और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो और जितना भी पढ़ाया जा चुका है उसका अच्छे से रिविजन करो, रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।